हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, की हाल चाल। आ गए आपके साथ एक और न्यू व्लॉग लेके। गुड मॉर्निंग वैसे गुड आफ्टरनून हो रही है। थोड़ी देर में मेरा कोचिंग जाने का टाइम हो रहा है, जो मैं कंप्यूटर सीखने जाता हूँ आज का, ठीक है ना। तो आज का पूरा व्लॉग देखो क्या होता है। इस व्लॉग के अंदर जो आप आज देख रहे हो ना, इसी व्लॉग के अंदर मैं कल जो मैंने थोड़ा सा शाम का व्लॉग भी बनाया था, तो उसको भी मैं इसी के साथ मिला के अपलोड करूँगा, ठीक है। पहले ही बता दिया आज मैंने। ओके, मैं गया था कालकाजी मंदिर, तो वहाँ पर मैं कैसे गया, क्या करा मैंने, वो सब चीज़ दिखाऊंगा। पूरा आप लोग लास्ट तक देखो, आपको मज़ा आएगा 110%। ओके गाइस, चलो मिलता हूँ अब आपको थोड़ी देर बाद। लाइट मैं बंद करके पड़ा हूँ क्योंकि लाइट भग गई थी, जब से बंदी पड़ी अब तो लाइट आ गई, लेकिन फिर भी मैंने बंदी कर रखी है। अब चलो बाय बाय टाटा। हेलो भाई, निकल गया आप फोन घर से। दोपहर ही हो रही है और मुझे आलस भी आ रहा है, बट उसके बाद भी निकल गया तो आलस आलस में भी, ठीक है। कैमरे को अपने मुँह में क्यों बढ़ाया जा रहा हूँ मैं पता नहीं, क्योंकि कैमरा भी पकड़ने में मन नहीं कर रहा, ठीक है। बाय बाय यार, टाटा, मिलता हूँ क्लास में। चलो भाई, हो गई छुट्टी। एक घंटे क्लास रहती है ना, तो निकल गया आपको। थोड़ी देर पार्क में जाऊँगा अब, ठीक है। वैसे चलो बाद में देखना वो वाली क्लिप्स, तो मतलब कि जो कल की बना रखी है वो थोड़ी देर बाद लगाऊंगा। अभी मैं थोड़ी देर पार्क जाऊंगा, उसके बाद पता नहीं क्या करूंगा, थोड़ी देर घूम के आऊँगा, मतलब कि इनडायरेक्टली यही है। ओके, लेट गो। चलो वापस मिलता हूँ सीधा पार्क ले जाके, उसके बाद भी पार्क में मिलूंगा, देखना अभी कैसे कैसे। चलो भाई, निकल गया आप पार्क से, ठीक है। अब जा रहा हूँ सीधा घर की ओर, और घर जाके बात करूँगा। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना किसका मंदिर है, बताओ, काली माता का। अरे हमारे हनुमान जी, जय श्री राम, श्री राम, महादेव। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। चलो अब आप ऐसा करो, एक काम करोगे, क्या करोगे बताओ। जो मैंने कल व्लॉग बनाया था ना, इस क्लिप के बाद अब वो अपलोड होएगा, मतलब कि इस क्लिप के बाद उसकी सारी क्लिप चलेंगी। तो मैं घर जाता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, आप इतने वो वाला व्लॉग पूरा देखो जो मैंने कल बनाया था, ठीक है। मिलता हूँ थोड़ी देर बाद में घर पहुँच के। आ गया मैं पेट्रोल पंप पे, अपनी बाइक का बस जो लास्ट काम है वो करवाना है। दो काम करवाने हैं, एक तो पेट्रोल भरवाना है, दूसरा पोल्यूशन करवाना है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे पोल्यूशन करवा लूँ, उसके बाद चलता हूँ जहाँ पर जाना है वहाँ, ठीक है। उस साइड वाले पर तो हुआ नहीं भाई, इसलिए अब की बार SP वाले पर आया हूँ, देखते हैं यहाँ पर होएगा तो। ओके, पता ही नहीं, हो ही नहीं रहा, वो बता रहा है कि पता नहीं क्या दिखा रहा है इसमें, इसलिए कंफ्यूजन चल रहा है, ठीक है। मैं दूसरे वाले पे गया करवाने। ओ भाई, हो गया पोल्यूशन, अपनी बाइक के सारे काम हो गए, बस तेल भरवाने का काम रह गया। वो तो अभी तेल इसमें है कि अभी काफ़ी जल जाएगी, 100 किलोमीटर के राउंड तो चली जाएगी, इतना तेल तो इसमें है, तो इसमें भरवाना है, लेकिन मुझे आज ही, ठीक है, क्योंकि पैसे मुझसे खर्च हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोच रखी है कि अब तेल भी भरवा के जब जाऊँगा ना भाई मंदिर, कालकाजी मंदिर जाऊंगा आज मैं, चाहे कितना लेट हो जाऊं, कितना ही टाइम हो जाए, बट मुझे जाना ज़रूर है, ठीक है ना। तो जब जाऊंगा उस टाइम ही गिरवाता हुआ चला जाऊंगा, या फिर गिरवाता हुआ आ जाऊंगा, दोनों काम कर सकता हूं अब मैं। ओके, तो चलो अब थोड़ी देर पार्क में बैठ गया, कि मगर थोड़ी शाम सी हो रही है ना, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा जब चलेंगे अपनी कालका मैया से मिलने के लिए। ओके, हाथ में खुजली हो रही है मेरे, बाद में बात करता हूँ, टाटा। चलो भाई, अब हम निकल रहे हैं पार्क से। ओके, तो लेकर चलता हूँ आपको। अभी तो इसमें पेट्रोल तो आते टाइम भरवाऊंगा, जाते टाइम आई डोंट नो, अगर जैसे भी जब भी भरवाऊंगा बता दूंगा। ओके, अब लेट्स गो, पहले निकलते हैं अपने धन्नो का स्टार्ट करके यहाँ से। ओके, पेट्रोल पंप पे भीड़ कम थी, तो मैंने सोचा चलो जाते जाते ही गिरवा लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए हम पेट्रोल गिरवाने के लिए रुक गया है, पेट्रोल गिरवा कर चलते हैं गाइस आगे की ओर को, ठीक है। गाड़ी कोटिंग। चलो भाई, आ गया मंदिर में, पार्किंग में बाइक लगा दी है, अब चलते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था आज कालका जी मुझे आना ही आना है, तो मैं चाबी ले ली, आ गया, ठीक है जी। अब चलते हैं माता रानी के दर्शन करने। ओके, काफ़ी टाइम से सोच रहा था यार मैं आने की, बट पता ही नहीं, आ ही नहीं पा रहा था, लेकिन आज बड़ा दिल करके आ ही गया अपनी माता रानी से मिलने। आ गया मंदिर में अंदर, और अपनी माता रानी के भी दर्शन कर लिए मैंने। आपको पता है मैंने दर्शन कैसे करे हैं, ये देख लो, सिर्फ 1 मिनट था,
सारे गेट बंद हो गए थे अंदर मंदिर जाने के, बस एक गेट खुल रहा था, तो उसमें मुझे एकदम जाने का मौका मिल गया। जैसे ही मैं दर्शन करके बाहर निकला, मतलब मैं अंदर गया और गेट बंद हो गया था, ये देख लो। अगर मैं ये वाला इस टाइम का दर्शन नहीं कर पाता ना, तो मुझे 9:30 बजे तक का वेट करना पड़ता, क्योंकि 9:30 बजे गेट खुलते हैं फिर से दर्शन करने के लिए, ठीक है ना। अब सारे गेट बंद हो चुके हैं, तो जितने भी लोग अंदर हैं ये सब वेट करेंगे, ठीक है। तो चलो अब ले चलता हूँ आपको कहीं और को घुमाने के लिए, ओके। जय माता दी, अर्घ मैया की सदाई जय जयकार। जय माता दी, 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 जय सरस्वती माता, जय गणपति बप्पा, जय माता दी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान जी आपकी सदाई जय जयकार। हनुमान जी, जय माता रानी, जय माता दी, जय माता दी, जय भैरव देव, जय भैरव देव। जय माता रानी, जय माता रानी। हर हर महादेव। जय ओ पार्वती मैया, जय काली मैया आपकी सदाई जय जयकार। माता रानी ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृतः। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु, जय जय शिव शंभु। निकल गया भाई मंदिर से, हो गए माता रानी के, भोले बाबा के, सब भगवान जी के दर्शन। और जब वो भी प्राक वाला सीन हुआ था ना, इसी जगह हुआ था, यहीं पर पंडाल लगा हुआ था, यहीं पर वो पंडाल गिरा था, ठीक है, मेन इस जगह पर, ठीक है जी। चलो अब करते हैं बाद में बात। चलो भाई अब जा रहे हैं घर की ओर को, सॉरी पहले पार्किंग की ओर को। माता रानी के दर्शन कर लिए हैं, ठीक है, जय माता दी। अब चलते हैं पार्किंग में, पैसे देते हैं, उसके बाद निकलते हैं सीधा कहाँ को, घर को यार, और कहाँ को। ये देखो पहले यहाँ पे पूरी दुकान वगैरह थी, बट ये पूरा हटा दिया, सारी जगह खाली करवा रखी है, पता नहीं क्या बनेगा यहाँ पे, पर काफ़ी टाइम से हटा हुआ है सारा सामान, ठीक है। तो चलो करूँगा अब सीधा पार्किंग के अंदर पहुँच के बाद। पार्किंग के अंदर क्या यार, वहाँ पर दुकान दिख रही है ना सामने, यही है बाइक, ओके। चलो भाई निकल गए, आपको ने अपनी बाइक उठा ली है पार्किंग में से, बस ये देख लो 2 मिनट रह रहे थे। हाँ दिख जा भाई, एक सेकंड फोकस हो, 2 मिनट रह रहे थे मेरे, 20 रुपये लग जाते हैं, बट अब 2 मिनट के चक्कर में बच गए अपने 2 मिनट, तो इसीलिए 10 रुपये में अपना काम चल गया, ओके। तो मैंने सोचा बाहर निकल गई बात कर लूँ अपने दर्शकों से, 10 रुपये तो बचेंगे, है ना। तो चलो अब जय माता दी बोल दो आप सब, और निकलते हैं घर की ओर को, ठीक है। अब सीधा घर पहुँच के मिलता हूँ मैं आपसे। तो भाई आ गया घर पे, और कैसे लगी आपको वीडियो ये भी बता दो कमेंट करके। और बाहर वाले हॉल में अंधेरा हो रहा है, तो लाइट लेकर आनी है, वो लाइट लगानी है अभी, ठीक है। गर्मी लग गई है बहुत ज़्यादा, इसमें गर्मी लग रही है, वैसे हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, और कल बारिश पड़ेगी या फिर रात को बारिश पड़ेगी 110%। मम्मी शोर कर रही है इसलिए बाद में बात करता हूँ, बाय बाय। देवान जी का पकड़ो, मतलब कैमरे में व्लॉगिंग भी हो जाएगी। माँ जी का पकड़ा दे पैसे तो, और तू कैमरा पकड़ ले। अरे यार कैमरा भी तो पकड़ना पड़ेगा, लाइट लगानी है तो। भाई ऐसे पकड़िए भाई, भाभी आप पकड़ो, भाभी आप मम्मी पकड़िए, इसको दो, चाटू में इसको दो, इसको इसको पकड़ो, इसको दो, लाइट जलाइए मम्मी को, ठंडी होता है।
बाय बाय करते, बाय 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 गाइस। चलो भाई अब कर लो अपने फ़ोन को चार्ज, मतलब कि लाइट तो लगा दी ना तो फ़ोन को चार्ज कर लेता हूँ। टाटा गाइस, बाय बाय, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद, इस व्लॉग को एडिट करके अपलोड भी करना है। ओके, चाय गरम, चाय 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 चाय। चलो भाई अपना डिनर टाइम हो गया, ठीक है, आलू बैंगन चावल पानी और रोटी और कुछ स्पेशल भी है खाने के लिए, थोड़ी देर बाद मैं दिखाऊंगा वो। ओके, वेट एंड वॉच गाइस। तो गाइस अब आपको दिखाऊं कि क्या दिखाने वाला था मैं, ये देखो, सॉरी डकार आ गई, दूध रसगुल्ला एंड गुड़, ठीक है ना, रात को मैं खा रहा हूँ, ठीक है, मम्मी का स्टार्ट हो गया फिर तक गाना, तो इस वजह से बाद में बात करता हूँ, ब्लॉग को एंड करते टाइम मिलता हूँ। तो गाइस यार पहले तो स्टीव की आवाज़ बंद करो, एक सेकंड रुक जाओ। सिद्धार्थ शुक्ला वाला सीजन आ रहा है बिग बॉस का, तो वो चला रखा है मैंने, आई एम सॉरी गाइस। वीडियो पर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार कैसा बोलो यार मैं भूल गया। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पर लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, उससे क्या होगा जब मेरी न्यू वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप देख सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो इंस्टा आईडी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर मुझे DM कर दो, मतलब कि डायरेक्ट मैसेज, या फिर आप कमेंट पर भी बात करोगे ना तो मैं वहाँ पर भी बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।